यार दोस्त, एक बहुत ही जल्दी एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है दोस्तों वीवो प्रो कबड्डी सीजन 10। लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला, काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला वाला दोस्तों होता है। और अक्सर दोस्तों क्या करते हैं कि आप ये सारी चीजें अपने फोन के अंदर देखते हैं तो आवाज बहुत ही कम होता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाने वाले जिसमें दोस्तों आप कबड्डी को एकदम अच्छे तरीके से होम थिएटर जैसा एंजॉय कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम खर्च में, इसमें बहुत ही मिनिमम खर्च लगने वाला है। चलिए दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, चौचक होंगे झकास में। चलिए दोस्तों बनाते हैं इस वाले ब्लूटूथ स्पीकर को, और ये दोस्तों काफी अलग होने वाला है। आप दोस्तों कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं वो दोस्तों मैं नीचे कमेंट करके बताएं, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ये सब बिल्कुल फ्री है। जिन्होंने चैनल पहली बार है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वाले प्रोजेक्ट के बनाने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक इस तरीके का बॉक्स का यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर दोस्तों स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों फिलिप्स कंपनी का है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा आवाज़ आने वाला है। दोस्तों आप ऐसा बात नहीं कि आपके पास सेम इसी तरीके का तभी आप बना पाएंगे, आपके पास दोस्तों जो अवेलेबल है, जिस तरीके का स्पीकर बॉक्स अवेलेबल है आप दोस्तों उससे बना सकते हैं। नई बॉक्स भी अवेलेबल है, तो आप दोस्तों किसी भी कार्टून का छोटा सा डिब्बे के अंदर भी आप असेंबल कर सकते हैं। बस दोस्तों ये मेरे पास था, तो दोस्तों टाइम बहुत कम है तो हम आपको फटाफट से इसको बना करके दिखा दें। इसमें दोस्तों मैं लगाने वाला हूँ एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये दोस्तों इस स्पीकर को ऑपरेट कराएगा, और इसको इन सारे सिस्टम को दोस्तों चलाने के लिए एक छोटा सा बस 3.7 वोल्ट का एक हमारे पास बैटरी है, इसको दोस्तों हम लगाने वाले हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से इसको असेंबल करके दिखाते हैं और इसका दोस्तों आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, देखिए खोल लूँगा इसका स्पीकर कुछ इस तरीके। दोस्तों मैं इसका स्पीकर आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर इतना खाली जगह है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर बैटरी इसका सेट कर दूंगा, और इसके दोस्तों पीछे जो है देखिए, मैं इसलिए इसको बाहर ही रख रहा हूँ इस वाले मॉड्यूल को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें थोड़ा टाइम भी बचाना है, नहीं तो इसको ज़्यादा अंदर सेट करने में टाइम हमारा ज़्यादा चला जाएगा और मैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, सिंपल से देखिए इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों इसका यूएसबी भी काम करेगा, और ये इसका जो मेमोरी कार्ड वाला है दोस्तों ये भी काम करेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी दोस्तों अच्छे से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। अब इसको इसके अंदर सेट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको अंदर नहीं बाहर ही सेट कर रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका क्या है कि एक बैटरी वाले का है और यहाँ पर एक स्पीकर्स वाले का है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सिंपल सा इसको कट करके इसके अंदर यहाँ पर लगा दूंगा, और इसी तरीके से पूरा दोस्तों ग्लू गन से सेट कर दूंगा। अब चलिए फटाफट से दोस्तों इसको असेंबल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये वाला हमारा स्पीकर का है और ये बैटरी का है, मैंने दोनों यहाँ पर निकाला, तो इसमें मैंने बताया था कि ये बैटरी का और ये स्पीकर का। बस अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सिंपल सा देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इन सारे पिन को देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसका, देखिए वॉइस तो बहुत तगड़ा है, मैं आपको पहले ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसलिए दोस्तों मैंने इसको बाहर रखा हुआ है क्योंकि इसका जो बटन्स है मैं इसको अच्छे से यूज कर पाऊँ, मुझे कोई भी अलग से बटन लगाने की जरूरत ना होती। ये देखिए इसको देखिए ऑन कर रहे हैं, ये देखिए ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका हम ग्लू गन से चिपका लेते हैं ताकि हमारा जो मॉड्यूल है वो दोस्तों हिले डुले ना। दोस्तों मैंने देखो इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक मोबाइल का होल्डर लगाया, आप दोस्तों चाहे कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ये वाला भी लगा सकते हैं, आपको जिस तरीके का सुटेबल पड़ता है, या फिर दोस्तों आप पीसीबी का बनाकर लगा सकते हैं, जो भी दोस्तों आपके पास अवेलेबल होगा वो आप लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं दोस्तों आप इसी तरीके के बॉक्स में, आपको कोई भी तरीके का बॉक्स होगा, ये तो मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसमें बनाया है, आप चाहे दोस्तों किसी भी तरीके के बॉक्स में बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका स्पीकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसलिए मैंने दोस्तों इसमें बनाया ताकि आवाज़ भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये रहा मेरा ऑन ऑफ का बटन, पीछे देखिए लगा हुआ है। यहाँ दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं करा क्योंकि आपको कोई भी शॉक लगने वाली बैटरी है, 3.7 वोल्ट का बैटरी है, तो कोई भी शॉक वाली दिक्कत नहीं है। और ये बाहर रहेगा तो आप इजीली इसका इसी बटन को दोस्तों यूज कर पाएंगे, इस आराम से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब ऑन करते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए। चलिए दोस्तों कनेक्ट कराते हैं इसको, ऊपर मोबाइल को सेट करते हैं और इसे मोबाइल से कनेक्ट करा के आपको दोस्तों वो वीडियो प्ले करके दिखाते हैं जिसका आपको इंतजार है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया अपने ब्लूटूथ के जरिए, यहाँ पर देखिए हम आपको प्ले कर देते हैं। इसी सीजन में दोनों बार पटना पायलट्स को हराया है, दोनों मैचेस में नवीन नहीं थे, एक में तो जोगिंदर नरवाल भी नहीं थे। नवीन फाइनल की शुरुआत
तो दोस्तों इसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त है, जिसमें आपको एक गाना भी सुना करके दिखाता हूँ जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मस्त बजने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो ब्लूटूथ क्वालिटी है वो दोस्तों काफ़ी एकदम तगड़ा है। यहाँ पर मैं एक NCS म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि इसका जो वॉइस है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है। आप दोस्तों कबड्डी का आप कुछ भी देखेंगे आपको एकदम मज़ा आने वाला है। चाहे दोस्तों आप मूवी भी चलाकर देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एकदम मस्त का होने वाला है। तो दोस्तों आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आप कबड्डी किस वाले टीम को सपोर्ट करते हैं वो भी दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एकदम सिंपल वाले प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।